हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट में एक नया ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करने जाते हैं या अगर हम लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो हम लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि जिस भी स्टॉक ब्रोकर के अंडर हम लोग अकाउंट ओपन करने जाते हैं, क्या वो रिलायबल है? क्या वो हम लोगों का पैसा लेके बाद में भाग तो नहीं जाएगा? कौन से पैरामीटर को देखने के बाद हम लोगों को एक स्टॉक ब्रोकर को चूज करना चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कंपनी एनालिसिस को कैसे करें या किसी भी ऑनलाइन पोर्टल से कैसे कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो उस सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो देखिए, एक स्टॉक ब्रोकर कितना रिलायबल है वो चेक करने के लिए दो तीन पैरामीटर है, वो किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करने से पहले आप लोगों को जरूर चेक करना चाहिए। जैसे कि वो स्टॉक ब्रोकर के अंदर कितना एक्टिव क्लाइंट्स है, वो कितने दिनों तक इस ब्रोकिंग के फील्ड में है, और क्या वो ब्रोकर सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है क्या नहीं, क्योंकि बहुत सारा फर्जी कंपनी करेंटली मार्केट में एक्टिव है जो बताता है कि हम लोग सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नंबर भी प्रोवाइड करते हैं मगर उसे हम लोग चेक नहीं करते। मगर ये चेक जरूर कर लेना चाहिए कि वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। मैंने यहाँ पे अपस्टॉक का टर्मिनल ओपन करके रखा है, जीरोधा का भी ओपन करके रखा है। तो ये दोनों ब्रोकर के पास मेरा अकाउंट है और एंजल ब्रोकिंग के पास भी मेरा अकाउंट है। तो मैंने इन तीनों ब्रोकर के पास क्यों अपना अकाउंट ओपन किया है? देखिए, जीरोधा और अपस्टॉक के अंदर मैंने अकाउंट ओपन इसलिए किया है कि ये दोनों का जो ब्रोकरेज चार्जेस वो बहुत ही कम है और इनका जो एक्टिव क्लाइंट्स है वो भी ज्यादा है और इन लोगों का जो टर्मिनल है वो बहुत ही अच्छा है। तो मिस्टर रतन टाटा इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े इन्वेस्टिंग कंपनी इस अपस्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है। और अगर जीरोधा के बारे में बात करें तो मिस्टर नितिन कामत बहुत ही एक अच्छा ट्रेडर है और स्टॉक ब्रोकर है, उनका नाम तो हमेशा ही न्यूज़पेपर में आता रहता है। और अगर हम लोग एंजल ब्रोकिंग के बारे में बात करें तो मोर देन 20 इयर्स एंजल ब्रोकिंग इस ब्रोकर के फील्ड में काम कर रहा है, तो इसकी वजह से उसके ऊपर भी एक रिलायबिलिटी बनता है। उसके बाद कोई ब्रोकर क्या सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है क्या नहीं, वो हम लोगों को चेक करना चाहिए। उसे चेक करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। आप गूगल पे जाके लिखिए किसी भी ब्रोकर का नाम, उसके बाद लिखिए सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा है अपस्टॉक सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर निकल के आ गया है। तो इसे सिंपली मैं कॉपी कर लूंगा और एक टैब में जाके मैं सिंपली लिखूंगा सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर चेक। उसके बाद जो पहला लिंक आएगा सेबी के ऑफिशियल वेबसाइट का, उसके अंदर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहां पे जाके ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो लिखा है ना, यहाँ पे मैं सिंपली इस रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे सेबी के अंडर अगर ये रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर्ड है तो उसके कंपनी का पूरा डिटेल्स मुझे मिल जाएगा। जैसे मैंने इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे पुट किया तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है RKSB सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके ये रजिस्टर्ड है और जिसे हम लोग अपस्टॉक के नाम से भी जानते हैं। और अगर आप यहाँ पे कंपनी के नाम के हिसाब से चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे A to Z करके लिखा है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे Z के ऊपर क्लिक किया है तो उसके नीचे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीरोधा का एक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और जीरोधा का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो ऐसे ही हम लोग सेबी के पास चेक कर सकते हैं। तो अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोई भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करने से पहले जो चेक करना चाहिए वो होता है उसका चार्जेस। तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे लिखना होगा उस ब्रोकर का नाम, उसके बाद चार्जेस। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखा है अपस्टॉक चार्जेस, तो यहाँ पे देखिए कुछ चार्जेस यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मुझे फुल डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे जो लिंक है यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो पूरा सेगमेंट का चार्जेस है, जैसे कि इक्विटी सेगमेंट, करेंसी सेगमेंट, कमोडिटी सेगमेंट, ये तीनों सेगमेंट अलग है और तीनों सेगमेंट में अलग अलग चार्जेस है और जो चार्जेस है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह और डिमांड चार्जेस वगैरह कितना है। तो ये चार्जेस आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये चार्जेस ही बाद में जाके आपको टेंशन दे सकता है, क्योंकि एक कंपनी का चार्जेस दूसरे कंपनी के साथ मैच नहीं करता है, वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। कोई कंपनी कम चार्ज करता है, कोई कंपनी ज्यादा चार्ज करता है। अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर के पास है तो वो कम चार्ज करेगा, अगर आप एक फुल सर्विस ब्रोकर के पास है तो वो ज्यादा चार्ज करेगा। और अगर आप अपस्टॉक, जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग के पास अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू जाके डायरेक्टली फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा में कुछ चार्जेस लगता है और एंजल ब्रोकिंग अपस्टॉक का अकाउंट ओपनिंग चार्ज बिल्कुल फ्री है करेंटली। तो उम्मीद करते हैं वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फिनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो या समझ में ना आया हो,
या आगे आने वाले टाइम पे आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।